वेलकम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आपको भी शोर आ रहा होगा क्योंकि अभी मैं किचन में हूँ और यहाँ पे जो है दाना बेची आई हुई है। सो अभी जो है बच्चे जो है वो नाश्ता करके स्कूल जा चुके हैं और हस्बैंड को भी मैंने नाश्ता किया। अब हमारे बारी है मेरी, चाय तो मेरा लाजमी होता है। तो साथ में जो है आज मैंने आजकल जो मैंने स्किप किया हुआ वो ऑयली चीजें हैं जिसमें अपना, तो कोशिश मेरी यही है कि स्किप करूं। और उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपना ये सीरियल, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। आजकल मैं ये नाश्ते में ये लेती हूँ, बहुत कम जो है ना ऑयली खाना खाने की कोशिश कर रही हूँ। जो है मैं फर्स्ट टाइम जो है ना काफी अरसे के बाद बना रही हूँ शामी कबाब, उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है अपना शामी जो है यहाँ पे मेरा यहाँ पे बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। कीमा कीमा है, चने की दाल है, शामी कबाब का मसाला है और प्याज है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है। तो बस ये बॉयल होता है, उसके बाद फिर उसको हम बाकी जो प्रोसेस है वो करेंगे। तो आज जो है वो हम शामी कबाब बनाएंगे। तो उसको हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि ये होते सारा फिर काम शाम हमारा चलेगा, क्योंकि बर्तन पड़े हैं फिर चीज़ें संभालनी है। तो अभी मुझे याद है कि जो मेरा जो आटा था वो खत्म हो गया था, जो मेरा गोंदा था, तो मैं चले जाना उसको जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि शाम तक जो है ना वो फिर रोटी खानी होती है, तो फिर जो आटा है उसको भी गोंदना है। तो ये सामने जाइए, मैं हेल्प करने आ जाती है। काम कर रही हो मम्मा से? काम करा रही हो? क्या करा रही हो? काम कर रही है ना, वो उधर बैठ के काम कर रही है, ये इधर बैठ के काम करती है। तो वही कहे चले जाना। हाँ ये पहले जो इसको कर लेते हैं जल्दी जल्दी। और आपको मैं दिखा दूँ कि हमारा जो कीमा है वो ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। जी जी ओके ओके। तो ये देख, आप देख सकते हैं कि हमारा जो है वो ऑलमोस्ट होने वाला है पूरा। तो बस इसको जो है ना उसको हम चूल्हा बंद कर देते हैं, खासे पानी जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। और इसको फिर बाद में जो है ना फाइन इसको चॉप करेंगे बाद में, जब या बच्चे सो जाएंगे या थोड़ी देर तक इसको फिर हम चॉपर में करेंगे। ये हमारा होता रहेगा और इसको हम जल्दी से इसको बनाए थे। तो अभी जो है आटा मेरा हमारा डन हो गया है, इसके अंदर मैंने रख दिया है, इसको मैं अब फ्रिज में रखती हूँ। तो कीमा आपको मैं दिखा दूँ, तो यहाँ पे देखें अभी गर्म है कि आपको अभी धुआं नज़र आ रहा है। इसको पीसेंगे, इसको बहुत ही पतला सा फाइन सा करना ताकि हमारा जो पेस्ट है ना वो सही मज़े का बने, क्योंकि अभी तो ये बहुत ही मोटा मोटा सा है ना, वो फिर अच्छा नहीं लगता कबाब में। ये देखें आपको भी जो है ना वो दाल और चीज़ें जो है वो नज़र आ रही होंगी। ठीक है जी, इसको फिर करते हैं, उनको जल्दी कर दें वरना ये सूख गया तो फिर बहुत ही मुश्किल से वॉश करनी पड़ती है। बेसन भी जो है ना उसको भी वॉश कर लेंगे, तो इसको बाद में कर लेंगे। फिर बच्चों के लिए भी देखते हैं, उनका भी टाइम होने वाला है, कोई खाना शाना या कुछ करेंगे तो वो भी आपको मैं दिखाऊंती हूँ। ठीक है जी। तो अभी जो है इसमें जो है वो हम इसमें बना रहे हैं अपना कीमा और पिसा रहे हैं। तो यहाँ पे जो रखा है ये अपना मसाला और यहाँ पे जो है ये हमारा अपना फाइन पीस पेस्ट बन चुका है, मतलब आधा बना है और आधा जो है वो हम यहाँ पे इसको लगा रहे हैं। तो अभी जो है इसको बनाएंगे, फिर आपके साथ मैं भी शेयर करती हूँ। ठीक है जी, इसको रखते हैं बंद, मतलब कवर करते हैं। ये है मेरा छोटा सा मिनी सा चॉपर, ये हैमिल्टन बीच का है, तो उसको सिर्फ प्रेस करना है और ये अपना काम करता है। मैं आपको दिखाती हूँ। Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is the echo, where do we start? जो है आपको नजर आ रहा होगा कैसे फाइन सा जाना वो चॉप हो चुका है। तो बस इसको भी जो है यहाँ से मैं निकालती हूँ और इसको यहाँ पे जो है वो ट्रांसफर करना है। अच्छा जी, तो ये जो है हमारा पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। लेकिन वो कहते हैं ना जो आदत होती है वो फिर जाती थी हैं। जब मेरी अम्मी, जब मुझे याद है जब हम छोटे थे और हमारी अम्मी जो है वो ये इस तरह की कबाब बनाते थे शामी या चपली जो भी होता था, तो वो साथ साथ जो है ना मैं खाती थी।
अभी भी मेरी वही आदत है, मैं थोड़ा सा जो है ना वो सासा जो है ना वो खाती हूँ, इस तरह का जो मसाला होता है ना वो बड़ा मज़ा करता है, चाहे वो आलू टिक्की हो, चाहे शामी हो या चपली का हो, तो इस तरह खाने में मुझे बड़ा मज़ा करता है, सासा मैं खा रही होती हूँ। तो बस अभी जो है अब इसकी जब वो कबाब बनाएंगे, वो कबाब बना के उसको फ्रीज करेंगे, शेयर करूँगी। आप भी आएँ और खाएँ ना हमारे साथ, अभी अभी टेस्ट करें। तो जी हमारे कबाब हमारे रेडी हैं, ये फ्रीज करने वाले हैं, और ये जो है अभी जो पकाऊंगी शाम को रात को, तो इसके लिए मुझे जो है ना वो इस जो शेप में आते हैं ना मुझे वो बहुत मज़ा करते हैं। मैं कभी डिफरेंट शेप में बनाती हूँ, कभी गोल बनाती हूँ, कभी किस तरह बनाती हूँ, लाइनें लगाई होती हैं डायनासोर की तरह, तो मुझे इस तरह के कबाब जो है ना बहुत मज़ा करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। एक एक तो अलग सा डिज़ाइन होता है इनका, एक तो अलग सा इनका शेप होता है, तो मुझे बहुत मज़ा करता है। तो मैं इस तरह अगर मुझे बनाना हो तो फिर मैं इस तरह बनाती हूँ। तो ये जो है ये है रात के खाने के मेरे और हस्बैंड के लिए, और ये इसको फ्रीज़ कर दूँगी, और ये बाकी जो है मसाला इसको मैं अभी नीचे फ्रीज में रखती हूँ, जब ये हो जाएंगे उसके बाद फिर इनको बनाएंगे, इनको बना के फ्रीज़ करूँगी, तो जब सारे फ्रीज़ हो जाएंगे इनको फिर जिप लॉक में या किसी में रख के ना साइड पर रख दूँगी, ताकि फिर हमारे पास जब हमें कोई चीज़ पकानी होगी या कुछ करना होगा तो हमारे पास ये पहले से मौजूद होंगे। इनको मैं फ्रीज़ करती हूँ, इनको मैं अभी रखती हूँ फ्रिज में, तो ये पकाऊंगी रात को, सॉरी इसको बाद में बनाएंगे, बच्चों के लिए फिर नूडल्स बनाएंगे। नूडल्स मेरे ख्याल से मैं निकाल के रख दूँ। नूडल्स जो है ना वो हमारे पास ये वाले हैं, ये हैं और ये हैं, ये तो बच्चे खाते नहीं हैं, थोड़ा सा स्पाइसी हो जाता है, तो मेरा कभी दिल करता है तो फिर मैं अपने लिए बना लेती हूँ, तो बच्चों के लिए ये निकाल लेते हैं, अगर बच्चों ने खाना होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर चिकन नगेट्स भी पड़े हैं तो वो बना लेंगे। इसको भी जो हमें खास से निकाल के रख लेते हैं ताकि बच्चे देखें तो उनको लगे कि भाई हमने खाने हैं। इसको बंद कर देते हैं और इसको यहाँ पर रख देते हैं, और इसको ढकने के लिए ना मैं कोई प्लेट शायद निकाल लूँ ऊपर से। ये हमारी प्लेट हो गई है यहाँ पे, इसको इसके ऊपर रखेंगे ताकि हमारे पास जगह मौजूद हो। ठीक है, इसको फ्रीज करते हैं, इनको भी रखते हैं और फिर देखते हैं। अच्छा जी, तो अभी जो है वो हमने मैंने चाय बना ली है, और साथ में जो है ये केकर्स खाएंगे। मैं फिर थोड़ी सी जो है ना वो टीवी देख रही हूँ, तो वो बच्ची है वो खेल रही है मैडम, फिर इसने कहा कि मम्मा मुझे जो है ना वो फ़ोन दे दे। मैंने कहा ठीक है जल्दी से वीडियो बना के फिर मैं आपको देती हूँ। तो बस अभी जो है यहाँ पे मैं चाय इंजॉय करूँगी, उसके बाद बच्चे आ जाएंगे, नूडल्स बनाएंगे उनके लिए, तो फिर बाकी आप अपने दिन का करते हैं। You could learn to discover a million stars here. तो अब जो है बस जल्दी से ना मैं सफाई कर लूँ, ये सारी चीज़ें उठा लूँ। बच्चे जो है ना वो जो है सारा गंद कर लेते हैं, वो मैडम जो है ना वो मेरे साथ है, बच्चे जो है वो अपने बाबा के साथ बाहर गए हैं, तो मैंने कहा चलें जल्दी से जो है मैं सफाई कर लूँ ताकि सारा घर जब वो वापस आए तो घर जो है वो साफ साफ हो। तो बस वो मैंने टेबल थोड़ी साफ कर लिया, उसकी जगह जो है ना तो ये जगह मैंने बना ली है, बाकी चीज़ें उठाते हैं ताकि बच्चे आएँ तो घर खाली हो, और फिर उसके बाद फिर देखते हैं कि हमने खाने छाने का भी क्या करना है, क्लीन भी करते हैं, थोड़ी सी चीज़ें उठाते हैं, कुछ साइड पे कर ली हूँ, वो जगह जो है वो मैस पड़ा हुआ था सारा, उसका मैंने थोड़ा सा जगह जो है वो क्लीन कर लिया, बच्चों की स्लाइड इधर आ गई या फिर हम उधर रखते हैं देखते हैं, और वो सारा इधर मैंने रख दिया है, ये जिनके टॉयज हैं सारे साइड पर करते हैं फिर देखते हैं। तो अभी जो है हम खाना शाना खा के जो है ना बैठे हैं, रोटी खा रही है, अभी जो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, ये फौरन जो है ना ये तंग करने आ जाती है, किस करती है फोन को। तो बस अभी जो है बैठे हैं, बच्चे जो हैं वो सभी ब्रेड खा रहे हैं न्यूट्रेला लगा के, और ये रियान जो है वो कॉइन दिखा रहा है, यस, और रियान के अभी तक ब्रेड पड़ी हुई है, आयरा खा रही है, तो बस अभी ये लोग खाते हैं, फिर उसके बाद ये लोग सोएंगे, इनको मैं सुलाती हूँ। वो हुरैन है और वो आइजल जा रही है, आइजल बाय।
तो बस अभी जो है ना थोड़ा सा रिलैक्स किया है, अभी जो है ना खाना शाना हमने जो है वो खा लिया है। तो फिर थोड़ी देर तक जब बच्चे सो जाएंगे फिर उसके बाद देखेंगे कि हमने आगे कोई चाय वगैरह आराम से पीनी हो या कुछ ग्रीटी वगैरह तो हम फिर पियेंगे देखेंगे, ठीक है। तो बस मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करने लगी हूँ। फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है जी। और फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। से अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय 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 बाय।